हेलो दोस्तों, वेलकम टू mycodetips.com। mycodetips.com में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे UI टेक्स्ट बुक का कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो रेगुलर हम लोग यूज करते रहते हैं। इतना एडवांस यूज नहीं, नॉर्मल जो एक सिंगल एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन में उसका मिनिमम फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट दो सेशन में हमने UI लेबल एंड UI बटन के बारे में बेसिक फीचर्स इतना लेंथी डिटेल्स में हमने डिस्कस नहीं किया था। पहले बेसिक फीचर्स हम एक एक करके सारे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद उसका एक मेजर रोल क्या है एक बड़े प्रोजेक्ट पे, एक सिंपल लाइव प्रोजेक्ट पे या मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, उसका बिहेवियर क्या, कैसे बिहेवियर क्या है, उसका इनहेरिटेंस क्या है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स आता है, मतलब क्लासेस, मेथड्स, डेलीगेट मेथड्स, रेफरेंसेस, सारे एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए UI टेक्स्ट व्यू सेम यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करते हैं। ये है UI टेक्स्ट व्यू ड्रैग ड्रॉप। ये कि इनपुट कंट्रोल है एंड डिस्प्ले कंट्रोल है। मैं बता रहा हूँ इनपुट एंड डिस्प्ले कैसे बहुत एक काम होता है, तो बताता हूँ। डिस्प्ले इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, कहीं से प्रोग्रामेटिकली हम ले सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड कंट्रोल से भी लेके हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और इनपुट कंट्रोल ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम वो जैसे लेते हैं, उसको हम उस डाटा को लेकर हम प्रोसेस करते हैं। ये इसका बेसिक कंट्रोल फीचर्स है। सेम यहाँ पर दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। अलाइनमेंट इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, जैसे नॉर्मली यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली उसको लेफ्ट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है या फिर डेमो के लिए नॉर्मली अलाइनमेंट का क्या है, कैसे काम करा उसको दिखाने के लिए हम सेंटर कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देखें क्या है। ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर एक्चुअली एक तरह से बैकग्राउंड टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड में रहता है। दिस इज ए टेक्स्ट बॉक्स। ये जो है ना, ये टेक्स्ट ये ऑफ व्हाइट जो लाइट ग्रे में डिस्प्ले होता है, मीन्स ये आपको एडिट नहीं कर सकते या इस वैल्यू को कौन से कंसिडर नहीं करता है कंट्रोल। ये एज ए डिस्प्ले पर्पज, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। और जो डाटा हम लोग प्रोसेस करते हैं उसका एक्चुअली इस कंट्रोल से लेता है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इस कंट्रोल से लेता है डाटा। बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, सब ये बॉर्डर स्टाइल है, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप, ओवल शेप है, रेक्टेंगल शेप, अच्छा ये शैडोड रेक्टेंगल शेप है, ये नॉर्मल रेक्टेंगल शेप है, ये नॉर्मल डैश, नॉर्मल ये ओवल शेप है। ये इसका बेसिक फीचर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन, नॉन करेक्शन, स्मार्ट डैश, स्मार्ट, ये सब। ये इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सॉरी ये कंट्रोल अलाइनमेंट है। ये सब उसके बेसिक फीचर्स हैं।
यहाँ पर उसका इवेंट्स वगैरह ये देखिए, उसका कंट्रोल्स एंड टच इवेंट, सेंट इवेंट्स जो है, जो आप उसको टच करने से कौन कौन सा इवेंट फायर होता है। नॉर्मली एडिटिंग डिड एंड डिड बिगिन डिड एंड एंड एग्जिट टच अप इनसाइड टच अप आउटसाइड वैल्यू चेंज, ये मेजर एक इवेंट यूज होता है वैल्यू चेंज का। इन सब जैसे टाइप करते रहोगे, सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी के बेस पे आपको चेक करना है कि ईमेल आईडी एग्जिस्ट है या नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू मोबाइल नंबर आप वैलिडेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मल्टीपर्पज कंट्रोल है। ये है चलो इसका एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, तो हमने टेक्स्ट भी डिफाइन कर लिया। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है इस लेवल पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो अनलोड पे तो यही डिस्प्ले होगा, लेकिन बटन प्रेस करके अनलोड पे देखो जो हमने सेट किया वो ऐसे डिस्प्ले होगा। देखो लेवल पे, अच्छा लेवल मैंने व्यू लोड पे यहाँ पर लिखा है मैं, इसलिए ये डिस्प्ले हो गया। दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, मैंने कहीं पर टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चेंज नहीं किया, जो यूआई में मैंने सेट किया था वही है। ठीक है, अब बटन पे क्या किया, बटन पे अगर मैं प्रेस करूँगा लेबल का टेक्स्ट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर लेबल का मैंने सेट किया है बटन प्रेस्ड। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्लेस करने से, इस बटन पर से क्लिक करने से लेबल का अंदर वही वैल्यू डिस्प्ले होगा जो इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एग्जिस्ट है। उसके लिए कुछ नहीं है, आपको टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट सिंपल 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 एक्टिविटी जो हम ये कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके जितने भी सिंपल जो एक सिंपल एप्लीकेशन बनाने में जो जो वैल्यू या जो जो इवेंट्स या जो जो कंट्रोल यूज होगा हम उसको यूज करेंगे। इसी टेक्स्ट बॉक्स, देखो टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ ईमेल एड्रेस, वैसे ही इसका कलर वगैरह जो भी आप चेंज कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पूरा लिस्ट कर रखा है, बॉर्डर स्टाइल है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट कलर तो यहाँ पर है टेक्स्ट कलर। तो ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सिंपल कंट्रोल्स है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसको आप रेगुलर बेस पे हम लोग यूज करते हैं, नोटिव इन्फॉर्मेशन शो करने के, इन्फॉर्मेटिव कंट्रोल्स कहते हैं या फिर बेसिक कंट्रोल्स जो है ये सब। थैंक यू दोस्तों आज के लिए, कल हम एक नया कंट्रोल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।